हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 11 अक्टूबर 2019 की प्रीलिम्स सीरीज में आपका स्वागत है। न्यूज़ डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए अन अकेडमी की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, वो ये है कि अन अकेडमी पर आप कोई भी प्रोग्राम ज्वाइन करते हो, कोई भी सब्सक्रिप्शन स्टार्ट करते हो, तो उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप रेफरल कोड यूज करोगे देवेंद्र सिंह 27। अब हम देखते हैं आज की हमारी पहली न्यूज़। आज की जो हमारी पहली न्यूज़ आई है वो आई है महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में। न्यूज़ ये है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उसने अभी महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम है वो लॉन्च किया है IIM बेंगलोर की हेल्प से। तो एक तो ये ध्यान रखनी है यहाँ पे कि IIM बेंगलोर है, उसकी हेल्प से इस प्रोग्राम को स्टार्ट यहाँ पे किया गया है। इसके बाद में यह जो प्रोग्राम है, यह हम बात करें जो फेलोशिप प्रोग्राम है, यह 2 साल का फेलोशिप प्रोग्राम है। इसका मोटो ये है कि स्किल डेवलपमेंट है उसकी तरफ फोकस किया जाए डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, मतलब ये जिले हैं उनके आधार पे देखा जाएगा तो जो स्किल हैं लोगों को वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। अब देखो बात ऐसी है कि ये जो प्रोग्राम है ना, महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम, ये बेसिकली गवर्नमेंट का एक पहले प्रोग्राम था, संकल्प, जिसका नाम था स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। इसी के अंदर बेसिकली इसको डिजाइन है वो किया गया है, तो ये एक फैक्ट यहाँ पे और हो गए हैं। अब बात ऐसी है कि इस फेलोशिप प्रोग्राम में क्या होगा, ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मतलब साथ साथ आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, इसी के साथ आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ग्राउंड लेवल पे वो करवाए जाएंगे। जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में आपको एक स्किल दी जा रही है, वहाँ पे आपको एडमिशन जो अथॉरिटी है वो आपको एक्सपीरियंस करेंगे प्रैक्टिकली, रियल में कैसे आपको काम करना है, इन चीज़ों से रूबरू करवाया जाएगा। अब अभी देखो स्टार्टिंग में ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली 75 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया जा रहा है। कहाँ कहाँ पे? गुजरात, कर्नाटका, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है वो देखते हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि वो पर्संस जिनकी एज 21 से 30 साल के बीच में है और वो ग्रेजुएट हो चुके हैं कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है कॉलेज वहाँ से, और इसी के साथ ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है स्टेट की उसमें फील्ड में वो काम करने कैपेबल हो। जैसे कि ये मान लो कि गुजरात में है तो उनको गुजराती आनी चाहिए ताकि वो अपने लोकल एरिया में अच्छे से काम कर सकें, यानी जो उनकी स्टेट की लैंग्वेज हो गई ऑफिशियल उसके साथ उनको काम करना है लोकल फील्ड में, इसलिए वो लैंग्वेज उनको आना मैंडेटरी है। तो ये थी महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम। अब बात यह आती है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। देखो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोग्राम रखा है गवर्नमेंट ने कि जो स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन होगा ना, इसके इसकी सुपरविजन में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यानी स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल है और डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर एक जो स्किल डेवलपमेंट मिशन तैयार किए गए छोटे छोटे, वो सुपरविजन करेंगे, वो निगरानी रखेंगे कि कैसे बच्चों को स्किल है वो दी जा रही है, किस तरीके से उनको प्रैक्टिकल करवाने हैं, कहाँ कहाँ पर उनको मतलब जो रियल में ट्रेनिंग है वो देनी है, इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस है वो किया जाएगा। इसी के साथ ही देखा जाएगा कि भाई स्किल दी जा रही है तो कौन कौन से चैलेंज हैं वो सामने आ रहे हैं और कौन कौन से एरिया में जिला है वो पिछड़ा हुआ है, तो वहाँ पे अच्छा काम करने के लिए कैसे उनको स्टेप है वो उठाने होंगे। इसी के साथ ही देखो बात यह है कि ये जो प्रोग्राम है इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि नए फ्रेश यूथ हैं वो इससे कनेक्ट होंगे, तो वो ऑब्वियसली अपने लोकल एरिया की प्रॉब्लम से अच्छे भली भांति परिचित होंगे, तो वो लोकल प्लानिंग लेके आएंगे कि भाई उनके ज़िले में किस तरीके से कौन सी प्रॉब्लम को निपटा सकते हैं। इसी के साथ ही जो कम्युनिटी है इसका इंटरेक्शन भी बहुत ज़रूरी हो जाता है और जो आउटकम मैनेजमेंट है उसके ऊपर भी फोकस है वो किया जाएगा। अब ये जो फेलोशिप है जैसे मैंने आपको बताया कि 2 साल के लिए है, पहले साल मिलेंगे 50,000 रुपये और दूसरे साल मिलेंगे 60,000 रुपये। और इम्पोर्टेंट बात क्या है, जब 2 साल की फेलोशिप प्रोग्राम है कम्प्लीट हो जाएगा, इसके बाद में IIM जो बेंगलोर है इसके थ्रू उनको पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट के एरिया में एक सर्टिफिकेट अवार्ड है वो भी दिया जाएगा। तो ये इस स्कीम के कुछ फैक्ट थे मोटे मोटे जो उन्होंने यहाँ पे कवर है वो ऑलमोस्ट कर लिए हैं। वैसे अब हम यहाँ पे देख लेते हैं संकल्प स्कीम के बारे में। देखो संकल्प स्कीम है वो जैसा मैंने आपको बताया कि स्किल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट है वो की गई है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब कुछ पैसा तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और कुछ स्टेट है वो देगी। अब वो अलग अलग किया गया है, जैसे कि नॉर्मल जो स्टेट्स हैं वहाँ पे 60% का 60-40 का रेशियो होता है, इसे कहते हैं हिली स्टेट में 90-10 का रेशियो होता है, और जो यूटीज होती हैं वहाँ पे 100% सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पे करती हैं। तो इस तरीके से वो अलग अलग क्राइटेरिया हो जाते हैं। बेसिकली यह स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि MSDE के द्वारा स्कीम है वो लाई गई थी।
इस स्कीम का मोटो ये था कि भाई हम जो भी स्किल देंगे ना इसके आउटकम पे फोकस करेंगे, यानी कि आप स्किल दे रहे हो ना इससे रिजल्ट कैसा आ रहा है। ये जो स्कीम थी संकल्प स्कीम, ये आउटकम पे फोकस करने वाली स्कीम थी। इसमें जैसे कि वोकेशनल एजुकेशन पे भी फोकस किया जा रहा था और इसी के साथ ही और भी जो ट्रेनिंग्स हैं इनके ऊपर फोकस किया जा रहा है। अब आपने कई बार नाम सुना होगा कि भाई वोकेशनल एजुकेशन क्या है। देखो तो वोकेशनल एजुकेशन को आप बहुत ही सिंपल वे में ऐसे समझ सकते हो कि भाई वो जैसे आप पढ़ रहे हो, एग्जाम्पल ले लो कि आप 12th क्लास में हो और इसी के साथ ही आपको कुछ ऐसा छोटा मोटा कोर्स करवा दिया जाए जिससे आप अपनी जो आजीविका है इसको चला सको, या फिर आप में कुछ एक्स्ट्रा काम करने की कैपेबिलिटी है वो आ जाए। जैसे कि 12th क्लास में हो और आपको कुछ मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का छोटा मोटा कोर्स करवा दिया, तो उससे आप छोटे मोटे सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप कर सकते हो, तो उससे आप में एक तो स्किल भी बढ़ रही है और इसी के साथ ही आप कुछ अर्निंग भी कर लेते हो। तो ऐसे जो कोर्सेज होते हैं या ऐसे जो एजुकेशन हो गई है वो हो जाती है वोकेशनल एजुकेशन। और क्या मोटो था इसका? इसका मेन अगर हम बात करें और मोटो ये हो गया था कि भाई हमारे देश में लगभग 3.5 करोड़ जो यूथ हैं इनको मार्केट के अकॉर्डिंग स्किल है वो प्रोवाइड करवाए जाएं, ताकि जो बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है इससे निजात पा सकें। इसी के साथ ही देखो अगर हमारे देश में स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है तो देखो एक तो क्वालिटी बढ़ेगी कंटेंट की और इसी के साथ ही मार्केट रिलेवेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना, यानी कि मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाए जाएँ। अब देखो आज के ज़माने में काफ़ी लोग बेरोजगार हैं इवन पढ़े लिखे होने के बाद भी। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये भी है कि कंपनियों को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो अभी आज के बच्चों में नहीं है। अब इसके काफ़ी सारे रीजन्स हैं कि एजुकेशन सिस्टम है वो आज इतना मॉडर्न या अपडेट नहीं हुआ जितनी कंपनियां या टेक्नोलॉजी अपडेट होती जा रही है, तो एक गैप क्रिएट हो गया, यानी कि कंपनियों को जिस स्किल की ज़रूरत है वो लोगों के पास स्किल है ही नहीं, तो कंपनी कहाँ से हायर करे। तो इसीलिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और इसीलिए गवर्नमेंट अब स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस है वो कर रही है। देखो ये इस जो संकल्प स्कीम है ना इसमें बेसिकली चार ऐसे एरियाज़ हैं जिन पे ज़्यादा फोकस वो किया जा रहा है। जैसे कि हम बात करें नेशनल स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर एरिया पे फोकस इस स्कीम में किया जाएगा, यानी आप ये बोल सकते हो कि टॉप से लेके बॉटम तक हर एरियाज़ हैं वहाँ पे अच्छे से फोकस किया जा रहा है। चार कंपोनेंट कौन कौन से हैं? पहला तो ये हो गया है यहाँ पे हम देखें तो कि भाई जो नेशनल जो हमारे इंस्टीट्यूट हो गए हैं इनको स्ट्रेंथ किया जाए, स्टेट लेवल पे जिले स्टेट लेवल पे हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया, और इसी के साथ ही और हम बात करें तो नेशनल लेवल पे भी इनको मतलब स्ट्रॉन्ग है वो किया जाए। सेकंड इनका जो पिलर है वो ये है कि क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब क्या होगा कि क्वालिटी को सुनिश्चित करना ताकि भाई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जा सकें, क्योंकि जब तक क्वालिटी नहीं होगी तब तक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम अच्छे से नहीं चल पाएंगे। और तीसरा क्या हो गया? इंक्लूसन ऑफ मार्जिनलाइज पॉपुलेशन इन स्किल डेवलपमेंट, यानी कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है हमारे देश में, जो मार्जिनलाइज जो पॉपुलेशन है जिसको अलग थलग रखा गया है इसको भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में इंक्लूड किया जाए। और चौथा इसका जो आप बोल सकते हो कंपोनेंट है वो हो गया है यहाँ पे एक्सपेंडिंग स्किल थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब देखो गवर्नमेंट है वो अकेली तो स्किल प्रोवाइड करवा नहीं सकती, इसके लिए पब्लिक यानी आम जनता और प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट हैं उनकी भी काफ़ी हेल्प की ज़रूरत होती है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बिना ये काम हो नहीं सकता, यानी कि PPP जो मॉडल है इसकी हेल्प से इसको और ज़्यादा आगे एक्सपेंड है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2019। देखो हर साल 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल डे है वो मनाया जाएगा। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है, देखो आज की जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है इसमें लोग काफ़ी अपने आप को अलग थलग महसूस करते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन या अवसाद के शिकार होते हैं। इसीलिए 10 अक्टूबर को इस डे के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया है कि भाई हमारे देश में ही नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं इनको सपोर्ट, यानी जो भी आदमी मेंटल हेल्थ से पीड़ित है मानसिक रोगी है उसको सपोर्ट किया जाए, इसी के साथ ही उसको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई जाए कि भाई सब लोगों के साथ वो बातचीत करे, डिस्कस करे मेंटल हेल्थ के इश्यूज से, ताकि उसकी प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन निकाला जा सके। आज के ज़माने में देखो लोग अवसाद के डिप्रेशन के शिकार ज़्यादा होते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि लोगों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो कम्युनिटी के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, लोग अपने आप को अलग थलग महसूस करते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, इसलिए उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और वो कहीं ना कहीं अपने आप को काफ़ी मन ही मन में एक तरीके से कोसते रहते हैं और फिर वो मेंटल हेल्थ के शिकार है वो हो जाते हैं। इस बार की जो थीम है वो रखी गई थी मेंटल हेल्थ प्रमोशन एंड सुसाइड प्रिवेंशन। अब देखो जब मेंटल हेल्थ के केसेस बढ़ते हैं तो इसी के साथ सुसाइड के केसेस भी बढ़ते जाते हैं, तो इसलिए सुसाइड को प्रिवेंट करना रोकना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसी पे इस बार फोकस है वो किया जा रहा है।
अब ये जो वर्ल्ड मेंटल डे है ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था 1992 में, पहली बार ये स्टार्ट किया गया था वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ, जो कि ग्लोबल मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें लगभग 150 कंट्रीज के आसपास मेंबर बनी हुई है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है गगन इनेबल्ड मैरियर इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन एंड इंफॉर्मेशन डिवाइस, यानी कि जेमिनी के बारे में। अब यहाँ पे दो चीज़ें हमें पता होना चाहिए, पहली चीज़ तो गगन क्या है, दूसरा जेमिनी क्या है। तो ये हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या है। मेरिनर इंस्ट्रूमेंट का मतलब मरीन जो प्रोडक्शन, इनके लिए एक इंस्ट्रूमेंट वगैरह बनाया गया जो मछुआरे वगैरह हैं उनके लिए। हम देखते हैं पहले क्या, सबसे पहले हम गगन को देख लेते हैं। देखो गगन की वजह से फुल फॉर्म ये थी, GPS एडेड जियो एगमेंटेड नेविगेशन सेटेलाइट, जो कि बेसिकली बनाया गया था इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो गगन सेटेलाइट सिस्टम था ये इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इसलिए बनाया गया था ताकि हमारे देश में जो एयर ट्रैफिक है इसको ढंग से कंट्रोल किया जाए, मॉनिटर किया जा सके, एक्यूरेसी है वो बढ़े, फ्लाइटों की फ्रिक्वेंसी है उसको भी बूस्ट किया जा सके, इसके लिए गगन सिस्टम है वो तैयार किया गया था। अब मतलब मेनली बनाया गया था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए। बट अभी बात ऐसी है कि इसरो नहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो, और इसी के साथ ही इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इन्फॉर्मेशन सर्विस यानी कि INCOIS, इन दोनों ने मिलकर एक जेमिनी डिवाइस बनाया है। और ये डिवाइस क्या करेगा, ये डिवाइस जो गगन सिस्टम था ना सेटेलाइट सिस्टम, इसी की हेल्प लेके मछुआरों को या जो फिशरमैन है ना इनको अवेयर करेगा कोस्टल एरिया में, जैसे कि या तो मौसम ख़राब हो रहा हो तो, या फिर कोई इमरजेंसी में इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करनी हो मछुआरों के बीच में, जैसे वो समुद्र में गए हुए हैं और फिर उनको कोई इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन देनी हो, कम्युनिकेशन करना हो उनके साथ, कोई डिजास्टर की वार्निंग वगैरह देनी हो, इन सब के लिए जेमिनी डिवाइस डेवलप किया गया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, गगन जो सेटेलाइट सिस्टम था वो बनाया गया था इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, जबकि जो जेमिनी डिवाइस है वो बनाया गया है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इन्फॉर्मेशन सर्विस और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्योंकि देखो मेनली जो गगन का सारा कंट्रोल था ना वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास ही रहता ज़्यादातर, क्योंकि काम ही इसका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ट्रैफिक के लिए था। तो भाई एयरपोर्ट के लिए अगर जो यूज़ कर रहे हैं, मतलब एयर ट्रैफिक के लिए अगर डाटा यूज़ कर रहे हैं तो क्यों ना उसका मछुआरों को भी हेल्प कर जाए। इसीलिए इसी सेटेलाइट की हेल्प से जेमिनी डिवाइस को ऐड किया जाएगा और फिर मछुआरों के पास वार्निंग इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। बाकी देखो ये इन्फॉर्मेशन कुछ काम की नहीं है कि भाई कोस्ट एरिया से 10 से 12 किलोमीटर तक मछुआरों को इन्फॉर्मेशन है वो दी जाएगी वगैरह वगैरह, बस ये मैंने आपको बेसिक मोटा मोटा जो कॉन्टेक्स्ट था सारा सार था वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। ये फिर यहाँ पे दिया गया कि भाई मोबाइल है वो ब्लूटूथ कम्युनिकेशन की हेल्प से भी कनेक्ट किया जा सकता है, तो ये इतना कुछ खास है वो नहीं है। अब देखो जो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इन्फॉर्मेशन सर्विस है ना, ये बेसिकली हमारे ओशियन में जो भी एक्टिविटीज होती हैं इनके बारे में अलर्ट वगैरह इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करके गैदरिंग है वो करता है। तो यह आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम ध्रुव के बारे में। तो क्या है यह ध्रुव, हम देखते हैं। जिस तरीके से ध्रुव तारा होता है उसी के नाम पर इसका ध्रुव स्कीम को नाम रखा गया है। बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ये मिनिस्ट्री ऑफ HRD यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव है। इसका मोटो क्या है, इसका मोटो ये है कि हमारे देश के अंदर बच्चे हैं जो टैलेंटेड हैं, जिनमें अपने आप में कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, उनको सिलेक्ट किया जाएगा और फिर उनको जो स्पेशल इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे जो स्पेशल टीचर्स हैं, आप बोल सकते हो कि काफ़ी एक्सेलेंट टीचर्स हैं, इनके साथ उनको कम्युनिकेट करवाया जाएगा और उनकी कैपेसिटी को बिल्डअप है वो किया जाएगा और उनके इनोवेटिव आइडियाज़ का यूज है वो, मतलब बोल सकते हो कि उनके इनोवेटिव आइडियाज़ को आगे एक्सपेंड है वो किया जाएगा। इसी के साथ ही उन बच्चों को हायर एजुकेशन की जो क्वालिटी है इसमें भी बूस्ट करने में हेल्प है वो मिलेगी। अब देखो क्या क्या इसके लिए रखा गया है, इसके लिए बेसिकली हमारे देश में 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक के जो सभी बच्चे हैं इनको, चाहे पब्लिक स्कूल हो चाहे प्राइवेट हो, कोई सी भी स्कूल हो, वहाँ से बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। और जो पहला फेज है इस फेज में 60 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, जिसमें से 30 बच्चे होंगे वो तो साइंस बैकग्राउंड से, मतलब साइंस बैकग्राउंड से रिलेटेड होंगे, और जो 30 बच्चे होंगे वो यहाँ पे होंगे आर्ट्स से रिलेटेड, इनकी क्लास सब्जेक्ट है इससे रिलेटेड। काम क्या होगा, इनके अंदर जो भी टैलेंट है, जो भी इनकी आप बोल सकते हो कि कैपेसिटी है, इसको इन्हांस, इसको इम्प्रूव किया जाएगा और उनकी कैपेबिलिटीज़ को और आगे कैसे हम बिल्डअप कर सकते हैं, कैसे एजुकेशन की क्वालिटी में और आप बोल सकते हो कि 4 चांद लगा सकते हैं, इसके ऊपर फोकस है वो किया जाएगा।
अभी देखो इसी के साथ छोटी सी न्यूज़ ये भी आई थी कि जो अभी स्टार्टिंग में 60 बच्चे सेलेक्ट किए गए थे, इनको पहली बार इसरो के अंदर मतलब एक तरह से ट्रेनिंग के तौर पे ले जाया गया और वहाँ जो साइंटिस्ट वगैरह हैं इनसे रूबरू करवाया गया ताकि ये अपने आइडियाज़ हैं उनको मतलब वहाँ से नए आइडियाज़ सीख भी सकें और उनके थ्रू अपनी हायर एजुकेशन की क्वालिटी है इसको भी आगे बढ़ाया जाएगा। और जो बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं 60 बच्चे, हर बच्चे को बाद में नाम दिया जाएगा ध्रुव के नाम से। तो ये आपको ध्यान रखना है, ध्रुव स्टार के बेसिस पे ये कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है CCS यानी कि कंट्री कॉरपोरेशन स्ट्रेटजी। क्या है ये हम देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हेल्थ से रिलेटेड है, इसीलिए सारे पॉइंट्स इसके कवर करेंगे। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसकी वो देखते हैं। कंटेक्स्ट बेसिकली आया है कि इस पूरे प्रोग्राम का नाम है वो है WHO इंडिया कंट्री कॉरपोरेशन स्ट्रेटजी 2019 से 2023 है और ए टाइम ऑफ ट्रांजिशन। अब ये है क्या, क्यों इसको लॉन्च किया गया, क्या हमारे काम आएगा। बेसिकली देखो बात ऐसी है कि ये जो ये CCS यानी कि कंट्री कॉरपोरेशन स्ट्रेटजी यानी कि देश सहयोग जो रणनीति है ना, वो एक स्ट्रेटजिक रोड मैप है WHO के साथ काम करने का इंडियन गवर्नमेंट का। यानी कि इसमें ये जो रणनीति या ये जो आप बोल सकते रोड मैप तैयार किया गया है वो WHO और इंडियन गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर तैयार किया है। बेसिकली ज़्यादातर जो हेल्प है जो डायरेक्शन है वो WHO प्रोवाइड करवा रहा है और इंडिया इसको इम्प्लीमेंट करने वाला है। और इंडिया में जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसने अभी इसको प्रोग्राम को या इस रणनीति को या इस स्ट्रेटजी को भी स्टार्ट है वो किया है। इसका देखो फोकस ये रहेगा कि हमारे देश में जो हेल्थ है सेक्टर, हेल्थ सेक्टर है, इसके ऊपर फोकस किया जाए। अब देखो हेल्थ सेक्टर में काफ़ी सारी कमियां हैं, आप चाहे ले सकते हो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम, महिलाओं में आप एनीमिया की प्रॉब्लम देख सकते हो, इसी के साथ ही चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट देख सकते हो, MMR देख सकते हो। तो हमारे देश में काफ़ी हेल्थ के एरिया में बहुत पिछड़ा हुआ है अभी भी। तो उस सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए यानी हेल्थ के जो गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, उन सबको अचीव करने के लिए ये रणनीति प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया गया है WHO की हेल्प से। इसमें चार कंपोनेंट है इसके, जहाँ पे WHO इंडिया की हेल्प है वो करने वाला है। यानी चार ऐसे एरिया आइडेंटिफाई किए गए हैं जहाँ पे WHO की हेल्प से हम हमारे हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव है वो करने वाले हैं। एक तो यहाँ पे रखा गया है फास्ट फॉरवर्ड द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोग्राम, यानी कि जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोग्राम है जो डिजीज हैं इसके ऊपर टीकाकरण वगैरह में और ज़्यादा फोकस किया जाएगा ताकि अच्छा रिजल्ट आ सके। इसी के साथ ही प्रमोटिंग हेल्थ एंड हेल्थ, हेल्थ का मतलब यहाँ पे क्या है, हेल्थ का मतलब आपको बोलते स्वास्थ्य, ये वैसे बेसिक सी बात है। और यहाँ पे इस दूसरे हेल्थ का मतलब रखा गया आरोग्य, यानी कि हेल्थ है इसको इम्प्रूव करने के लिए प्रमोट करने के लिए इस पर फोकस रहेगा। इसी के साथ ही हम बात करें तो देखो जो हेल्थ इमरजेंसी प्रॉब्लम होती हैं इनसे निपटने के लिए भी लोगों को अलर्ट रहना काफ़ी ज़रूरी है। यानी कि आपात स्थिति होगी, ऐसे इमरजेंसी आ गई, हेल्थ इमरजेंसी, इस कंडीशन में लोगों को कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करना है ये ध्यान रखना। इसे जैसे कि महामारी वगैरह फैल गई कोई देश में, कोई बाढ़ वगैरह आ गई तो डेंगू जैसी काफ़ी गंभीर बीमारियाँ फैल सकती हैं, तो इन सबको कैसे रोका जाए। इसी के साथ ही हम बात करें तो इंडिया को एक ऐसा रोल तैयार करना है कि भाई वो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक लीडरशिप का रोल निभा सके हेल्थ सेक्टर में। यानी कि इंडिया हेल्थ सेक्टर में ऑल ओवर वर्ल्ड को खुद रिप्रेजेंट करे, ना कि इंडिया बेचारा एक बेसहारा ऐसा ही बन के यहाँ पे रहे। ये बेसिकली इसके चार कंपोनेंट हैं वो यहाँ पे हम देख रहे हैं। अब बात ऐसी कि भाई इसकी हमें ज़रूरत क्या है। देखो बात ऐसी है कि WHO काफ़ी टाइम से काम कर रहा है और आपको पता है इंडिया है वो वर्ल्ड की एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इसीलिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो इसको मैनेज करना भी काफ़ी अहम हो जाता है और हेल्थ चैलेंजेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो जो CCS जो प्रोग्राम है वो WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही तैयार है वो किया गया है। इसका फोकस रहेगा डिजिटल हेल्थ हुआ, इसके साथ क्वालिटी वाली मेडिसिन हैं वो लोगों को मिल सकें, और हेपेटाइटिस के जो हेपेटाइटिस प्रोग्राम चले गए हैं आयुष्मान भारत जैसी स्कीम है इनको और अच्छे से इंप्लीमेंट करके लोगों को अच्छा रिजल्ट मिल सके। इसी के साथ ही पब्लिक पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़रूरी है ताकि लोग अलर्ट रहें और एक अच्छा लोगों को हेल्दी इन्वायरमेंट है वो मिल सके। और हम बात करें आज के ज़माने में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो गई हैं डायबिटीज़ जैसी, इनको कंट्रोल करना, इसी के साथ ही आज के टाइम पे जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, इन सबको काउंटर करने के ऊपर फोकस यहाँ पे रहेगा। अब इसके दो तीन छोटे मोटे इफेक्ट वो देख लेते हैं। देखो एक फैक्ट ये है कि जो CCS यानी कि कंट्री कॉरपोरेशन जो स्ट्रेटजी है ना वो बेसिकली WHO का एक जनरल एक्शन प्लान था और उसका जो 13th एडिशन था ना, यानी कि WHO का 13th जो जनरल एक्शन प्लान था वो, और इसी के साथ ही WHO का जो साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ पे भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया था और उसका जो 8th भाग है वो है उसको मिला के CCS तैयार किया गया है।
यानी कि WHO की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इसको डेवलप है वो किया गया है। इसी के साथ इम्पोर्टेंट सबसे फैक्ट वो ये है कि ये जो प्रोग्राम है वो बेसिकली नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के ऊपर बेस्ड है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी हेल्थ पॉलिसी के ऊपर ये बेस्ड है। जैसा मैंने आपको बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट है वो किया जा रहा है। तो ये थी वैसे आज की हमारी डिस्कशन। इसी के साथ आज एक छोटी सी न्यूज़ है वो आई है कि अभी भारत के आज हैं वो भारत के प्रधानमंत्री, और जो हम बात करें चाइना के प्रधानमंत्री हैं जी जिनपिंग, इनकी आज एक इनफॉर्मल मीटिंग होने वाली है। कहाँ पे? मामल्लपुरम में, तमिलनाडु में। अब देखो इसके पीछे काफ़ी सारी हिस्ट्री है कि भाई मामल्लपुरम में क्यों स्टार्ट की जा रही है, न्यू दिल्ली वगैरह में क्यों नहीं। तो इसके पीछे कल्चरल रीजंस भी हैं और भी बहुत सारे हैं, तो वो हम एक आर्टिकल के फॉर्म में अभी आगे आने वाले एक दो दिन में इसको डिस्कस है वो अलग से करेंगे, क्योंकि वो एक अपने आप में अलग से इंपॉर्टेंस हो जाती है। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आया था इनफॉर्मल सबमिट। इनफॉर्मल सबमिट का मतलब ये है कि जो ऑफिशियली सबमिट मतलब ऑफिशियली नहीं होता है, इनफॉर्मल तरीके से उसको कंडक्ट है वो किया जा रहा है। देखो 2017 में जब इंडिया का डोकलाम इशू हुआ था, इंडिया चाइना और भूटान का, उसके बाद एक इनफॉर्मल सबमिट हुआ था, वो हुआ था चाइना के अंदर वुहान में, जहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री गए थे। और इसके बाद में जो सेकंड इनफॉर्मल सबमिट है वो अभी इंडिया होस्ट है वो कर रहा है तमिलनाडु के मामल्लपुरम में, तो इसीलिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसमें काफ़ी सारी इंडिया और चाइना को लेकर डायमेंशन आएंगी, तो वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है वो हो जाता है, तो उसको हम अलग से कवर है वो करेंगे। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। इसी के साथ आज हम एक क्वेश्चन से वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है वो है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में, यानी REITs के बारे में। तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं और करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेटमेंट ये दिया है कि REITs है वो एक म्यूचुअल फंड की तरह है, जो कि इन्वेस्टमेंट वगैरह होता है ना, इसको रिवेन्यू जनरेट करने के लिए रियल इस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट है वो करता है। सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि रीट्स है वो बेसिकली सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर है, इसके द्वारा रेगुलेट है वो किया जाता है, यानी कि सेबी के द्वारा इसको रेगुलेट किया जा रहा है। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि REITs है रीट्स है, इसको बेसिकली इनिशियल पब्लिक ऑफर के तहत लॉन्च है वो किया गया है, तो ये अगर लॉन्च है वो किया जा सकता है। तो ये आपको बताना है कि तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, बाकी इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कल मिल जाएगा। तो फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।